हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, एंटी डायबिटिक। ठीक है ना, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 के हम कुछ टॉपिक कवर करने हैं, जिसको मैंने कई सारे लेक्चर्स में ब्रेक किया हुआ है, और हर एक लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखे हैं। क्लियर है? जितने भी लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, उन सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखे हैं। क्लिक करो, डाउनलोड करो और उनका यूज करो। तो इसके अंदर हमको दो ड्रग्स पढ़ रहे हैं, टीरोकार्पस और जिमनेमा। तो आओ देखें जरा, पहले समझते हैं डायबिटिक या एंटी डायबिटिक। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, वहां पे भी हम लोगों ने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पढ़े हुए हैं। बस वही चीज है जो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? डायबिटीज को, यानी कि हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको नीचे करेंगे, डाउन करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है, एनी ड्रग डेट लोअर्स, जो कम करता है एबनॉर्मल हाई ग्लूकोज। ब्लड के अंदर ग्लूकोज होना चाहिए, एक नॉर्मल कंडीशन है, उतनी रहेगी। अगर उससे ज्यादा बढ़ गई है और वो कम नहीं हो रही है, उस केस में अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं या किसी हर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे हर्ब के लिए कहा गया है, ऐसी दवाइयां, ऐसे ड्रग को कहा गया है एंटी डायबिटिक। क्या करती है? एबनॉर्मली, लास्ट टाइम लिखवाया था, एबनॉर्मल मतलब जो चीज नॉर्मल ना हो उसको नीचे करेगी, यानी कि जो हाई ग्लूकोज लेवल हो गया है, शुगर लेवल, उसको डाउन करेगी। लेवल इन ब्लड Which is a characteristic of disorder diabetes mellitus. क्या ये याद आ रहा है, What is diabetes mellitus? कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। Next point देखो, जिससे सबको याद आएगा। For more details, see chapter number 9 of pharmaceutical chemistry, जो कि मैं डाल चुका हूं वीडियो, ठीक है ना, hypoglycemic agent, उसको देखें। और उसको नहीं देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो उसके नोट्स ही देख लें कम से कम एक बारी। क्या देख लें? नोट्स, जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हर एक नोट्स के, तो यहां पर कहां चले जाए, उसके नोट्स पे चले जाइए। और एंटी डायबिटिक, डायबिटीज मलाइटिस, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तमाम चीजें मैंने डिटेल में समझा रखी हैं, तो यहां पर वही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? तो क्या करोगे, अपना जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ोगे ना, या तो वहां या यहां, यहां पर मैं इसलिए मेंशन भी करता चल रहा हूं, जिससे कि तुमको दिक्कत ना हो ढूंढने में। चैप्टर नंबर 9, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखे, वो लोग सीधे टाइप करेंगे क्या, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स माइंड नर्चर कृष्णा, जैसी हेडिंग डाल के मेरा चैनल का नाम डालेंगे, वैसी वो लेक्चर तुम्हारे सामने खुल जाएगा। इवन कोई भी टॉपिक जो मैंने कवर करा दिए हैं, उसका नाम डाल के आगे लिखेंगे आप माइंड नर्चर कृष्णा, तो वो टॉपिक अगर मैंने कवर कर रखा है तो खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्लियर है? ये उन बच्चों के लिए जो लोग नहीं जानते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं। चले आगे, समझ में आ गई यहां तक बातें? तो अब सीधा हमारे पास क्या है, ड्रग पढ़ना है हमको। ठीक है, टीरोकार्पस क्या होता है? टीरोकार्पस कुछ ऐसा आता है नजर, देखा होगा बहुत से बच्चों ने, कुछ ऐसे ही पत्ते जैसे देखे होंगे ये मतलब पत्ते तो ये रहे, इनमें ऐसा कुछ फल टाइप का देखा होगा। इसके किस पार्ट से क्या होता है, हम लोग करते क्या है, इसमें ना कट मार देते हैं हल्के, देख रहे हो, कट मार देते हैं, इसके अंदर एक गोंद जैसी चीज निकल रही है। इसके अंदर से क्या निकल रही है, ये गोंद जैसी चीज निकल रही है। इसको इकट्ठा करके, सुखा करके हम लोग पाउडर बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आओ देखें जरा, तो क्या बोल रहा है ये। ठीक है, टीरोकार्पस मार्सुपियम, ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, जो आगे भी आएगा बायोलॉजिकल सोर्स में। आल्सो नोन एज मालाबार किनू, इंडियन किनू और विजयासार और वेनकई इज अ मीडियम टू लार्ज, ये इसके कॉमन नाम आ गए, जो जिसको हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं, सिनोनिम। ठीक है ना, कैसा होता है, मीडियम टू लार्ज, एक मीडियम साइज से लेकर लार्ज साइज का डेसिडुअस प्लांट है, या डेसिडुअस ट्री है। डेसिडुअस क्या होते हैं, झड़ने वाले। जैसे कि मैं बताऊं, कुछ प्लांट जो हर साल फल देते हैं लेकिन एक समय बाद उनके पत्ते झड़ जाते हैं ना, पतझड़ जब आता है तो उनको कहा जाता है डेसिडुअस। जो हमेशा कई सालों तक जिंदा रहते हैं लेकिन पत्ते पूरे एक साथ नहीं झड़ेंगे, कुछ झड़ेंगे कुछ बने रहते हैं, यानी वो पेड़ हमेशा हमको कैसे दिखाई पड़ता है, हरा, उनको कहते हैं एवरग्रीन। उनको हम लोग क्या कहते हैं, सदाबहार, एवरग्रीन। उनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं, इसमें क्या होता है, पत्ते एकदम झड़ जाएंगे,
तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिडुअस कहते हैं। डेट कैन ग्रो अप टू अ 31 मीटर और 102 फीट टॉल। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन है, याद करना चाहो करना, अदरवाइज छोड़ देना। नेक्स्ट आते हैं, इट इज नेटिव टू इंडिया। कहां पाया जाता है ये? इंडिया में। वेयर इट इज ऑकर इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इन कर्नाटका केरला रीजन एंड इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। इंडिया में पाया जाता है काफी, इतना नेपाल श्रीलंका, इंडिया याद रखो तो नेपाल जुड़ा हुआ है, श्रीलंका जुड़ा हुआ है, ये दो नाम ऑटोमेटिक याद कर लो, क्लियर हो गया बात। सिनोनिम की बात करें और किस किस नाम से इसे पुकारा जाता है, इंडियन किनो ट्री, बिजासल, मालाबार किनो, ये इसके सिनोनिम आ गए। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस, जूस जो सुखा लिया गया है, जूस जो सुखा लिया गया है, जो जूस यहां से निकल रहा है इसको हम लोग सुखा लेते हैं, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा है ड्राइड जूस। कंफ्यूज मत करना कि जूस सूखा हुआ कैसा होता है। ऑफ द प्लांट ऑब्टेन बाय मेकिंग वर्टिकल इंसीजन, इंसीजन मतलब क्या होता है, कट लगाना, वर्टिकल लंबा लंबा, वर्टिकल मतलब लंबा लंबा, ये देखो ये लंबे लंबे कट लगाए हुए हैं, दिख रहे हैं ना, ये कट, ये कट है, ये लंबा लंबा कट लगा दिया, नीचे इसमें क्या निकल रहा है, इसका जूस निकल रहा है, क्लियर है, आओ देखें आप क्या कह रहा है ये, ठीक है। ऑन द स्टेम ऑफ द टीरोकार्पस मार्सुपियम ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसियस, की फैमिली आ गई, ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो किनो याद रखोगे इसका, किनोटेनिक एसिड, किनोरेट, किनोइन, ठीक है ना, देन पायरो कैटेकिन रेजिन और गैलिक एसिड। तो ये तो कम से कम तीन तो याद रख सकते हो, नाम से मिलते जुलते हैं, किनो, किनोइन, किनोरेड, किनोटेनिक एसिड। ओके आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, थेरापियोटिक एफिकेसी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आते हैं, तो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं इसको, डायबिटीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो एंटी डायबिटिक तो है ही है, एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है, हम जान चुके हैं एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, टिश्यूज के बारे में पढ़ा था हमने, जो टिश्यूज को थोड़ा सिंक करवाते हैं। एंटी डायरियल है, डायरिया लूज मोशन में हेल्प करता है, टूट एक दांत दर्द में काम आता है, हैमरेज अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही होगी बॉडी के अंदर तो वहां काम करता है, इन डाइंग टैनिंग एंड प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग वगैरह जो काम होता है डाइंग वगैरह वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है, क्लियर है, चले आगे। ओके देन है जिमनीमा, कुछ ऐसा दिखाई देता है पौधा ये, तो क्या बोल रहा है, इट इज अ स्लो ग्रोइंग, बहुत धीमा धीमा बड़ा होता है, पेरेनियल, पेरेनियल मतलब कई सारे, यानी कि मोर देन टू इयर्स में जाकर के अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा ये। मेडिसिनल वुडी क्लाइंबर, क्लाइंबर है ये, बेल की तरह चढ़ता है इस तरीके से, क्लाइंबर, क्लाइंबर कौन होते हैं जो बेल की तरह ऊपर चढ़ेंगे, वुडी है इसकी बेल में, ये देख रहे हो ये इसकी बेल है जो ये अभी हरी है, लकड़ी नुमा हो जाती है, एक बेल होती है हरी बेल, जैसे कि देखा होगा मनी प्लांट की, उसकी जो बेल होता है उसका स्टेम होता है हरा हरा होता है, उसको वुडी नहीं कह सकते हैं, लकड़ी नहीं कह सकते उसे, जिनकी बेल लकड़ी जैसी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वुडी क्लाइंबर कहते हैं, क्लियर है, आगे आते हैं। जिमनीमा सिल्वेस्ट्रे, जिमनीमा सिल्वेस्ट्रे, ठीक है ना, नाम याद रख लेना, इसका नाम है ये, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्लांट विद पोटेंट एंटी डायबिटिक प्रोटेटिव प्रॉपर्टीज, पोटेंट मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता हो, पोटेंट मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, काफी अच्छा डायबिटीज में रोल प्ले करता है ये, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दिस प्लांट इज ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग ओबेसिटी इन द फॉर्म ऑफ जिमनीमा टी, जिमनीमा टी के नाम से ही फेमस है ये, जो लोग मोटे होते हैं वो लोग इसका चाय का इस्तेमाल करते हैं ताकि पतले हो सके। द एक्टिव कंपाउंड ऑफ द प्लांट इज ग्रुप ऑफ एसिड टर्म एज जिमनेमिक एसिड, इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव, कई सारे केमिकल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव केमिकल कौन सा होता है, दैट इज जिमनेमिक एसिड, तो कहीं ना कहीं इसका केमिकल कॉन्स्टेंट का एक नाम भी याद हो जाएगा, जिमनेमिक एसिड। द प्लांट इज नेटिव टू सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना, इंडिया याद रखोगे, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया याद रखो, अदरवाइज ये अभी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। सिनोनिम की बात करें तो मधुनाशिनी, सुना होगा मधुनाशिनी, कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो सुन रखा मधुनाशिनी, सुना है ना, मधुनाशिनी के नाम से आता है जो, और गुड़मर के नाम से भी फेमस है ये। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट जिमनीमा सिल्वेस्ट्रे, जिमनीमा सिल्वेस्ट्रे ऑफ फैमिली एस्क्लेपियाडेसी, है ना। केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो जिमनेमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, म्यूसिलेज, डीक्वर्सिटॉल, एंथ्राकिनोन डेरिवेटिव, क्लियर, नाम याद हुए तो जिमनेमिक, फॉर्मिक, ब्यूटायरिक, ये तीन तो कॉमन हो जाएंगे, क्लियर। थेरापेटिक में एंटी डायबिटिक तो है, स्टिमुलेट, किस तरीके से एंटी डायबिटिक है मैंने बात कर रखा है, एंटी डायबिटिक से कैसे टाइप
प्रकार मैंने डिस्कस कर रखी है, अगर वो पढ़ लिया है तुम लोगों ने आगे बढ़ने से पहले शुरुआत में ही, तो ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। याद आ गया? गुड। जो इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको बढ़ा देता है। स्टिमुलेंट उत्तेजक की तरह काम करता है, अगर सुस्ती से आ रही हो उसमें भी काम करता है। स्टमकिक भूख बढ़ाने वाला है ये, स्टमकिक कहा जाता है उसे। लैक्सेटिव पॉटी वगैरह टाइट आ रही हो तो उसको लूज करता है। एंड डायुरेटिक हमारी यूरिन की क्षमता जो होती है फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, डायुरेटिक का इस्तेमाल कई बार कैसे कैसे किया जाता है याद है ना? बीपी वगैरह जब हाई होता है तब इस्तेमाल होता है ना? आजकल स्टोन वगैरह हो जाते हैं तब भी डॉक्टर्स क्या डायुरेटिक लिख देते हैं, जैसे कि पेशाब ज़्यादा होगी तो पथरी जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी, जो फंसी हुई होती है किडनी में से नहीं, जो फंस जाती है किडनी से बाहर निकल के। तो क्लियर है? तो ये दो ड्रग हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है? इनको अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करो टेबल बना लो अपने हिसाब से, और सबके जो तीन चीज़ें जो अपने कोर्स में मेंशन है, फिर बता रहा हूँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ, जो तीन चीज़ें मेंशन है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट और थेरापेटिक एफिकेसी, इन तीन पर ज़्यादा फोकस करना है, फिर ये बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? क्योंकि इन तीन से कोई एक ही चैप्टर है और ये तीन चीज़ें पूछी गई हैं, हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं 20-25 तो उनके बारे में ये तीन चीज़ें ही पढ़नी है हमको। बात समझ में आनी है? और चीज़ें नहीं बोली गई हैं जो दूसरे कोर्सेज होते हैं, जैसे फार्मेसी वगैरह, बी फार्मा है, ठीक है ना, वहाँ पे साफ साफ मेंशन रहता है बायोलॉजिकल सोर्स, इसका केमिकल कॉन्स्टेंट, वो कहते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट, इसकी मॉर्फोलॉजी। नोट्स अगर तुम देखोगे खुद से चेक कर सकते हो, जो फार्मेसी के सिलेबस देखना उसमें साफ साफ मेंशन है चीज़ें कि ये सब चीज़ें तुमको पढ़नी है। जब यहाँ पे तीन ही चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है डी फार्मा में, तो तुम तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे। क्लियर है? क्लियर? क्या करना है? पढ़ना है और रिवाइज करना है। क्लियर? ऑल द बेस्ट।